इस सत्र के हमारे खास मेहमान हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच अपर्णा, थैंक यू सो मच अमित। और राइजिंग उत्तर प्रदेश का यह पहला सत्र जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपका अभिनंदन है। तो तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है अखिलेश भाई कि लोग आपको कितना सुनना चाहते हैं। अखिलेश जी, इस सत्र का नाम हमने रखा है साइकिल की सवारी किस पर भारी। 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। और जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है, आज के समय पर इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह अगर डीजल पेट्रोल बढ़ता गया तो लोगों को साइकिल पे ही भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए आपके टॉपिक के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है, आप कह रहे हैं 22 में बाईसाइकिल, ये जो नया स्लोगन है, ये कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को आ कहाँ से रहा है? पिछले 4 साल में और 5 बजट में ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिरकार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, वो संकल्प पत्र पे काम क्यों नहीं हुआ? कोई भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट होता जी कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इनका कोई क्लियर विजन होता, तो उससे महसूस होता कि हाँ, 4 साल में अगर ये काम पूरे कर लिए तो आने वाले समय में ऐसे काम होंगे। लेकिन पिछले 4 साल से ये देखने को मिला है कि सरकार ने समाजवादी पार्टी के जो काम हैं उनका शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, अब तो ये स्तर आ गया सरकार का, एमओयू का एमओयू भी कर रहे हैं। तो जिस सरकार ने 4 साल में कोई अपना नया काम ना किया हो, कोई क्लियर विजन ना दिया हो, इसलिए मैं कह सकता हूँ उस समय जनता के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया। और मुझे खुशी है कि 5 साल जो हमें काम करने का मौका मिला, ईमानदारी से समाजवादी पार्टी ने जनता के लिए काम किया। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कहती है कि हमने अर्थव्यवस्था को बेहतर करा है, और कुछ आंकड़े भी है मेरे पास कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऊपर आया है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ है? जैसे अगर मैं पूछूं जी, और मैं अगर जानना चाहूं जी कि आपका नाम क्या है और आपके नाम का मतलब क्या है, तो आपके नाम का जो मतलब होगा, अगर उस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में काम करने लगेंगे तो हो सकता है सरकार आप पे झूठे मुकदमे लगा दे और जेल भेज दे। अच्छा, मेरे नाम का मतलब तो मीठा बोलने वाला है। और अगर आप मीठा बोले जी और सरकार को पसंद नहीं आया जी, तो सोचिए सरकार क्या करेगी यहाँ पर। और फिर जी, क्योंकि आप जिस नाम से उत्तर प्रदेश में आए हो जी, ये जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश लखनऊ से जाएं तो वो नाम वही का वही बना रहे आपका। अच्छा, तो आप नाम वाली पॉलिटिक्स पर भी आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये सरकार पिछले कई दिनों से और कई वर्षों से केवल नाम बदल रही है। आपका ये आरोप है कि ये सिर्फ नाम बदलते हैं, फीता काटते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक बात है, पर देखिए कुछ आंकड़े हैं। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऊपर आया है, आपको भी खुशी होगी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। देखिए, अगर हम ये देखें कि 36 घंटे विधानसभा के सभी कर्मचारियों को जगाया, विधायक जागे, और जो गोल्स तय किए थे, सस्टेनेबल गोल्स यूएन ने जो तय किए थे, उन गोल्स पर बात हुई जी। अगर हम उन चीजों को देखें कि आज हेल्थ पैरामीटर्स में हम कहाँ हैं, एजुकेशन के पैरामीटर में कहाँ हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन सी संस्था है जो ये कर रही है, मैं संस्था पे सवाल नहीं उठाता हूं जी, लेकिन उत्तर प्रदेश पढ़ाई के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश आपके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्राइमरी का है, वो सरकार का ही डेटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में सरकार
अपने आंकड़े बता सकती है, लेकिन जो आंकड़े बता रहा है आपके सरकारी आंकड़े उसमें नीचे है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पता नहीं कहां से नंबर इनका एक आ गया है। और यकीन से मैं कह सकता हूं कि 400,000 से ज्यादा का MOU साइन हुए। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है तो जमीन पर वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं उतरे? लेकिन आप हेल्थ की बात करते हैं, अभी कोरोना का वक्त गया, वाकई पूरे मानव काल मानव जाति के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। WHO ने भी UP सरकार की तारीफ करी, क्या आपको लगता है कि कोविड मैनेजमेंट अच्छा रहा? क्योंकि लगातार आप सवाल खड़े करते रहे। फिर WHO पे मैं सवाल नहीं उठाऊंगा जी। इसी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में सैंपल जा रहे थे, बंदर सैंपल ले गया, किसको नहीं पता? क्या ये बात WHO को पता है? इसी तरह क्वारंटीन सेंटर में एक गरीब बच्चे को रखा गया, सांप ने काट लिया, वो मर गया, क्या ये WHO को पता है? और उस कोविड के दौरान न जाने कितना मजदूर महाराष्ट्र से गुजरात से पैदल चल करके आया, और चलते चलते लोगों की जान चली गई, 90 लोगों की जान गई है, किसी की मदद सरकार ने नहीं की। तो कैसे हैंडल किया उन्होंने, किस तरीके से लॉकडाउन किया, या जो उस समय बीमार हुए उनके मंत्री तक बीमार हुए, उनके कैबिनेट मंत्रियों की जान चली गई। तो अगर जान चली गई है उनकी और इस वैश्विक महामारी ने जो जान ली है उसके बाद भी सरकार कह रही है कि काम अच्छा किया है, और फिर जब दुनिया में सबकी नौकरियां गईं, वेतन कट गया, कोई बता दे जिसका वेतन ना कटा हुआ हो, सरकारी जितने कर्मचारी हैं सबका वेतन कट गया, लोगों की नौकरी चली गई, बिजनेस नीचे चली गई, उसके बाद कह रहे हैं कि कोविड में इंतजाम अच्छा था। पर लॉकडाउन के वक्त तो क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था तो इसलिए इकोनॉमी पूरे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हुई, लेकिन उसके बाद वी शेप हमने रिकवरी भी देखी, ऐसे नीचे आई इकोनॉमी और फिर ऐसे ऊपर भी गई। ये ग्राफ बनाना आसान है जी, सरकार ये कहती है पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पर ग्राफ भी फैक्ट्स पे बनता है जी। नहीं, लेकिन फैक्ट किस बात के लिए ले रहे हैं आप, फैक्ट कहां से लेकर के आ रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी को अगर समझना है जी और इन आंकड़ों